आज हम एक आयताकार कागज से एक बेहद सुंदर फूल बनाएंगे। इसके लिए आप लाल रंग का एक आयताकार कागज लें जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर की हो और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की हो, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। सबसे पहले उसको आधे में मोड़ें, उसके बाद में उसको चौथाई में मोड़ें और बस ये ध्यान रखें कि सारे क्रीसेस एकदम शार्प हों। ये 1/8 और अंत में 1/16। इस तरह से ये लंबा आयताकार कागज 16 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, बट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरे कागज को एक फैन फोल्ड कि पहला माउंटेन, दूसरा वैली, तीसरा माउंटेन, चौथा वैली, इस क्रम के अंदर एक बिल्कुल अकॉर्डियन फोल्ड या फैन फोल्ड में मोड़ देंगे। तो बिल्कुल अब ये पंखे जैसा मोड़ हो गया। अब ये देखिए, उसके बाद में हम दोनों सिरों को पकड़ करके और इस तरह से गैदर करेंगे कि हम सेंटर में आ जाएं। फिर एक फ्लैप बाएं का खोला, दूसरा दाएं का खोला और फिर कैंची लेकर के हमको 4 त्रिकोणों को काटना है और यही त्रिकोणों से जो हमारा फूल बनेगा अंत में उसके जो परिधि होगी वो कटी हुई होगी और बेहद खूबसूरत लगेगी। यहाँ हम दूसरा त्रिकोण काट रहे हैं, इसी तरह से दूसरे सिरे पर भी आप दोनों त्रिकोणों को काटें। इस तरह से कुल मिला करके 4 त्रिकोणों को हम काटेंगे और फिर जो हमारा मॉडल है इसको लंबाई में हम आधे में मोड़ देंगे। बिल्कुल बीचों बीच हमने इसको मोड़ दिया। उसके बाद में जो नीचे हमारे त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, इस त्रिकोण को आधे में मोड़ा, इसके दूसरे सिरे को भी एक त्रिकोण मोड़ा और यहां पर एक जेब है, उस जेब में इनको घुसा करके दबा देते हैं। ये एक तरह की तालाबंदी है, इट्स लाइक अ लॉक, ये मॉडल खुलेगा नहीं। और इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ रिपीट करते हैं, दोनों त्रिकोणों को मोड़ा और यहाँ पर एक जेब है, उस जेब के अंदर इस पूरे फ्लैप को घुसा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी ताला बंद हो जाता है और अब देखिए, अब आपका फूल लगभग तैयार है। दोनों सिरों को पकड़ करके आप खोलेंगे तो एकदम उभर के आपका फूल खिल जाएगा। देखने में बेहद सुंदर नज़र आता है। आप अलग अलग रंग बिरंगी कागज़ से इन फूलों को बना सकते हैं और ये देखने में बेहद सुंदर खूबसूरत लगते हैं। इनमें कहीं पर भी गोंद का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पर भी स्टेपल का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पर भी कोई सिलाई नहीं है, यही इनकी विशेषता है। और आप चाहें तो इन फूलों को घुमा भी सकते हैं। अभी देखिए आयताकार कागज़ से किस तरह से आप इतना विलक्षण खूबसूरत फूल बना सकते हैं।